शालोम प्रभु के प्रिय लोगों, गुड मॉर्निंग। आज हम एक वचन पढ़ते हैं। हरेक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। आइज़या 43:7 लिखा है इंग्लिश में, एवरी वन दैट इज कॉल्ड बाय माय नेम, फॉर आई हैव क्रिएटेड हिम फॉर माय ग्लोरी, आई हैव फॉर्म्ड हिम, या आई हैव मेड हिम। इतना सुंदर वचन कहता है कि हर एक जो मेरा कहलाता है, हर एक जो विश्वासी है भाई बहन, उसको परमेश्वर ने क्या किया है, अपनी महिमा के लिए सृजा है, रचा है और बनाया है। तो हमें परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा देनी है, अपने टैलेंट से महिमा देनी है, ताकि परमेश्वर जिसने हमें उस महिमा को प्रकट करने के लिए बनाया है इस पृथ्वी पर, तो हम उसको महिमा दे सकें। एक और वचन आपके लिए मैं पढ़ूंगी, हम पढ़ेंगे भजन संहिता 19, भजन 19 का एक वचन लिखा है, आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाशमंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। देखिए क्या है, हेवंस डिक्लेयर्स हिज ग्लोरी, और हम क्या कर रहे हैं, क्या हम उसकी हस्तकला को, जिसने परमेश्वर ने सुंदर सृष्टि उसकी गीत गा रही है, उसकी महिमा कर रही है, क्या मैं और आप अपने जीवन से महिमा कर रहे हैं? नहीं तो आज प्रण कर लीजिए कि परमेश्वर ने मुझे टैलेंट जो दिया है, जो गुण दिए हैं, जो वरदान दिए, उसके द्वारा मैं केवल और केवल परमेश्वर की महिमा करूँगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।